हो गया अगर फ्री तो दे देंगे, या नहीं तो आपको बड़ा प्रॉब्लम निकलेगा इंजन में। अगर गली में आप जा रहे सडन स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप सडन फ्रंट ब्रेक नहीं मारना, बैक ब्रेक यूज करना, उसके बाद स्लो से फ्रंट ब्रेक यूज करना, क्लच पकड़ के, क्लच पकड़ लेना आप, क्लच पकड़ के ब्रेक मार के कंट्रोल कर ले सकते हैं आप। नहीं, अगर गलियों में आप जा रहे, अगर ऐसे ही अपना तरकारी कुछ मार्केट रहता आप अगर जा रहे हैं तो क्लच ज़्यादा यूज करना पड़ता, ब्रेक कम, क्लच से कंट्रोल कर ले सकते हैं आप, फ्रंट ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हैं। जब स्लो में रहते हैं ना आप, अपने दो पैर भी नीचे रहते, आप फ्रंट ब्रेक से क्लच से दोनों से कंट्रोल करके जा सकते हैं। ओके, अगर आप 100 स्पीड में अगर सडन आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो सडन आप फ्रंट ब्रेक, अगर डिस्क ब्रेक है आप डिस्क ब्रेक नहीं मारना। क्यों बोले तो डिस्क ब्रेक मारने, अगर सडन ब्रेक मारने से आपको गाड़ी स्किड हो सकता, आपको प्रॉब्लम भी हो सकता। अगर डिस्क ब्रेक आप सडन मारना चाह रहे तो गाड़ी आप स्टेट में, जो स्टेट जो लेवल जा रही गाड़ी, जब आप यूज़ कर सकते सडन। अगर नहीं, अगर टर्निंग पे है आप सडन कभी डिस्क ब्रेक नहीं मारना, और स्टेट में जब गाड़ी आपका जा रहा तो बैक ब्रेक फ्रंट ब्रेक दो आप यूज़ कर सकते क्लच पकड़ के। चाहे डिस्क ब्रेक, मतलब डिस्क ब्रेक भी ओके परफेक्ट है, और बैक ब्रेक ज़्यादा यूज करना चाहिए। आजकल एबीएस आ रहा है ना, अच्छा है कंट्रोल कर। हाँ वो अच्छा है, मगर क्या है वो अगर कहीं स्पीड ब्रेकर कन यहाँ वहाँ अगर लग गया तो जो उसका पंप रहता कैलिपर वो जल्दी फेल हो जाना। जैसे कि अब स्पीड ब्रेकर वो नीचे दे दिया, अगर कुछ स्पीड ब्रेकर है या गनेट वगैरह कुछ रोड पे है, अगर वो गाड़ी वाले नहीं देख सका तो उसको टच होते कि वो फेल हो जा रहा, वो प्रॉब्लम आ रहा उसमें। थोड़ा ध्यान रख के आप चला ले सकते हैं, ऐसा तो ओके परफेक्ट है गाड़ी, ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। अब एक्चुअली आपको इंजन ऑयल चेंज तो वो तो सर्विस टू सर्विस आप चेंज कर ले सकते हैं। माइलेज बोले तो जो कार्बोरेटर जो सेट